अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही लजीज कढ़ाई कबाब, जिसकी रेसिपी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया हुआ है, यानी बोनलेस चिकन ली हूँ मैं, और इसके साथ हरा धनिया, पुदीना और प्याज, और ये है खड़े गर्म मसाले। इसे मैंने लिया है हरी मिर्चें, खड़ी लाल मिर्चें, खड़ा धनिया, कसूरी मेथी, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, जावेत्री, दगड़ फूल, कबाब चीनी, कबाब कंदा, सफ़ेद और काली मिर्चें, इलायची और दालचीनी, इतनी सारी चीज़ें ली है मैंने। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। कबाब में बाइंडिंग के लिए आप भुना हुआ बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भुने हुए चने यूज़ कर रही हूँ। मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, और ये यहाँ पर है ग्राइंड किए हुए भुने हुए चने। अगर ये ना हो आपके पास तो आप बॉईल किए हुए काबली चने भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आप सबको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी में। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 लेमन का जूस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाले आप खड़े भी ऐड कर सकते हैं इसमें, खड़े गरम मसालों का भी बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इन्हें पीस कर भी ले सकते हैं बारीक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कीजिए उसमें। देखिए हमारा मिक्सर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसके कबाब बनाएंगे। मुझे लगने वाले तमाम वेजिटेबल मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर प्याज है, टमाटर है, और रेड एंड येलो कैप्सिकम लिया मैंने। ये देखिए मैं यहाँ कबाब बना रही हूँ, और इसके ऊपर जो है मैं कैप्सिकम लगा रही हूँ इस तरीके से चॉप किए हुए हैं ये कैप्सिकम। इस तरीके से तमाम जो है कबाब बना लें आप। कैप्सिकम की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर कबाब में। अब यहाँ पर मैंने ये ग्रिल वाला मेरा तवा है, उसके ऊपर मैं ये तमाम कबाब जो मैंने बनाए हैं इसको यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही कम तेल लगता है इसके लिए। यहाँ पर मैंने ये नए स्कीवर से यूज़ किए हुए हैं, ये काफ़ी बड़े हैं, जिसकी वजह से पूरी तरीके से मेरा कबाब जो है तो ग्रिल वाले मेरे पैन में नहीं आ रहा है। इसके लिए मैंने जो मेरे पास में डोसा का तवा है, मैं उसके ऊपर इसको फिर से ग्रिल कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बाद में जब मैं इसको ये स्कीवर्स को हाफ करके यूज़ कर लूँगी, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, अगर आपके स्कीवर्स नहीं आ रहे हैं तो आप इसे हाफ कर लीजिए। ये देखिए तैयार हो चुके हैं अच्छी तरीके से उनके जायकेदार कबाब। अब इन कबाब की हमें बनानी है कढ़ाई, तो अभी मैं सारे स्कीवर से निकाल लूँगी और इसे कट कर ली हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इससे। मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें मैंने खड़े गरम मसाले जो ऐड कर दिए हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, और इसमें मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई प्याज। ये ऐड कर दिया मैंने बारीक कटा हुआ ऑनियन, और इसी के साथ मैं बारीक कटा हुआ टोमेटो ऐड कर रही हूँ। वहीं से अच्छे तरीके से भून लेंगे, और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम
कैप्सिकम इसमें मैंने ऐड कर दिया है, उसे भी भून लिया है। और अब इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिए। 1 चम्मच मैंने मिक्स मसाला इसमें यूज़ किया है। मिक्स मसाले में क्या होता है, हल्दी होती है, लाल मिर्ची होती है, गरम मसाला और धनिया पाउडर होता है। इन सबको मिलाकर मिक्स मसाला तैयार किया जाता है, तो उसका मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाइट ग्रेवी। वाइट ग्रेवी में मैंने काजू लिया है, काजू को अच्छी तरीके से पीस लिया है मैंने। और अब मैं काजू का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मसालों को काजू के पेस्ट के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी मैं। और इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे इसमें कबाब ऐड करने हैं, तो थोड़ा ग्रेवी होना चाहिए उसमें। और इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कबाब, और इसे और थोड़ी देर तक के लिए हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए तैयार हो रही है हमारी मज़ेदार कढ़ाई कबाब। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।